अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुशखुशी रखे। तो आज मैं आया हूँ कहाँ पे जी, मीरदाद माफ़ी में। और मीरदाद माफ़ी में आज मैं गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ ये वाला जो एक छोटे से कस्बे का माहौल है ये भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर सकूँ। तो मैं इससे पहले आपको कहना चाहूँगा, वो वक्त अच्छे थे जब मकान कच्चे लोग सच्चे हुआ करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग इस वक्त सच्चे नहीं हैं, लेकिन तब और पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत सा फ़र्क है जी। अब जो है वो मोहब्बतें कुछ थोड़ी सी कम पड़ गई है, वो इस वजह से क्योंकि मोहब्बतें आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जो है वो बहुत कम हो रही है। तो आज मैं आया हूँ जी वहाँ पर जहाँ पर बिल्कुल कच्चे मकान, झोंपड़ियों में रहने वाले लोग जो आज भी इलेक्ट्रिसिटी के बगैर, बिजली के बगैर अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। और ऐसी जो है वो ज़िंदगी बसर करना, आपको पता है इस तरह के जो आज भी सन 2022 में आप देख सकते हैं कि आज भी इस तरह की ज़िंदगी जो है वो बसर करना बहुत ही मुश्किल है, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिसिटी के। हमारे जैसे मोबाइल जो है हमारे चार्जिंग नहीं होते तो हम फौरन कहते लो जी बिजली तो एक घंटा चलेगी जी, आप बिजली कैसे आएगी। तो ये देखें इस तरह के लोग जो लोग हैं आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये देखें अभी वो ऐसी ही सादा लू ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज भी ऐसी सादा लू ज़िंदगी है कि आज भी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं जी, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी के बगैर जो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा जी आज ये मिट्टी के भड़ोले, यानी कि भड़ोले, मिट्टी के भड़ोले दाने वाले, जिसमें हम दाने पंजाबी गाँव च एक जगह दाने जमा किए जाते हैं, लेकिन वो तो होते हैं जी अपना दूसरे को जो है लोहे के, लेकिन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जी मिट्टी के। ये मिट्टी के फड़ोले हैं जी। हाँ जी, ये की पाते हो जनाब? गंदम पा सकते हैं, चावल रख सकते हैं, चावल, झोना, गंदम, चोना और मुख्तलिफ इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इसमें रख सकते हैं। और ये मिट्टी के आपको घर दिखा रहा हूँ, आगे मेरे साथ है, ये आपको मैं ये सारा कुछ दिखाता हूँ। ये मिट्टी के घर किस तरह बड़ी ही मजबूती के साथ बनाए हुए हैं, ऊपर हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, मैं आपको दिखाऊंगा। इनू कहते जी काने, काने पत्थर, यानी कि सिरकी, सिरकी, सिरकी भी बोलते हैं, काने भी बोलते हैं इसको, तो इसको सिरकी बोलते हैं उर्दू में, काने कहते हैं पंजाबी च। ते आप देख सकते हो कि कान्या नू जड़ा बन के ओदी एक मजबूत जिहा जाल बना के उस तो बाद उपर मिट्टी जी लेप की जाती है जी, तो मिट्टी लिपदे उत्ते फिर जाके ये जड़े आ इस तरह का एक छत तैयार होंगी आ। तो छत मैं तुम सारी दिखाना जी, ये देख सकते हैं जी आप, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जी, वैसे ही ये तारे लगी हुई हैं, आप कहें कि इलेक्ट्रिसिटी है, कपड़े, कपड़े डाल रहे हैं इसके ऊपर, ये कपड़े डालते हैं इस, हाँ जो सूखने के लिए धो के कपड़े इसके ऊपर डालते हैं। और ये बच्चे भी मैं आपको दिखाऊं जी, बाय बाय करो, बाय बाय, हेलो करो भाई मुंशी, बाय बाय। तो देखें आज भी लोग जो है वो कितनी सादा लू जिंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं, मुझे ये देखने का बहुत ही मजा आया। लेकिन अफसोस इस बात पर हुआ कि यहाँ पर बहुत सी सहूलियात जो आम इंसान को मैसर होती हैं वो यहाँ पर ये उन सहूलियात से हैं जो है महरूम है। ये देखें जी, जब मैं वीडियो बना रहा था तो बच्चे कह रहे थे जी हमारी वीडियो भी बनाएं, तो जनाब ये देखें बच्चों की वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। इधर थोड़ा पड़ोले मारना, बर्तन पड़ोले, ये है जी वो मिट्टी का भड़ोला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा, ये अंदरों अंदर से मतलब किस तरह का होता है ये भी दिखाऊंगा। ले जी मैं दिखाने लगा था लेकिन उन्होंने कहा जी ये अंदर से जो है वो ऊपर से जो है वो बंद किया होता है, ये इसका कवर है जी, ये इसका कवर ढक्कन कह सकते हैं, प्रॉपर मिट्टी के साथ जो है वो बंद किया हुआ है। और इसके दाने निकालने वाली जगह कहाँ पर है जी, ये देखें जी ये बंद किया जाता है, जब निकालने हो तो यहाँ से जो है वो तोड़ लिया जाता है, उसके बाद फिर इसको मिट्टी से ही बंद किया जाता है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ हो सकती है, इसे क्या कहते हैं जी, दाने वाला, नहीं ये जो लकड़ी है, ये बर्तनों वाला स्टैंड, नहीं बर्तनों वाला, बर्तनों वाला स्टैंड ये है जी, बर्तनों वाला स्टैंड इसे आप कह सकते हैं, पेंडू का।
पेंडू पंजाबी जो स्टाइल है ये देखे जी, बर्तनों वाला स्टैंड। ये जी जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे 75% चीज़ें जो थी वो मुझे मिट्टी की नज़र आई, जैसे कि मिट्टी के घर जो ईंटें इन्होंने लगाई हुई हैं वो भी मिट्टी की, दीवारें वो भी मिट्टी की, जिन पर जानवर बांधे जाते हैं वो खुरलियाँ वो भी मिट्टी की, चूल्हे बनाए हुए हैं वो भी मिट्टी के। तो बेशक इंसान जो है वो मिट्टी का है, बना हुआ है और उसने मिट्टी में ही वापस लौट कर जाना है। ये है जी, मैं आपको दिखाता हूँ जो इनके बाहर जो ऊँट है बंधे हुए, तो ये उनके ऊपर जो मेले पे शादियों पे ये अक्सर अपनी जो है इनकी शादियां होती हैं, तो ये बच्चों की जब शादियां करते हैं तो ये ऊँटों पे और उनको लगाकर जो है उसके ऊपर जो है म्यूज़िक लगा देते हैं। तो ये आप देसी माहौल सारा देख सकते हैं, बहुत सामने फोटो लगा हुआ इस तरह तैयार करते हैं। अभी मैं आपको तस्वीर पर भी दिखाता हूँ ये किस तरह तैयार करते हैं उसको, तस्वीर लगी हुई है ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, आप देख सकेंगे जी इस तरह ये अपनी शादियों को जो है वो एंजॉय करते हैं, मेलों पे शादियों पे ये इस तरह इसको तैयार करते हैं। और इसके बाद जो है जी जी पंजाबी स्टाइल चेक करें, बच्चे ने भी जी लाचा बांधा हुआ है, लाचे को पंजाबी में धोती भी कहते हैं, ये देखें क्या बात है जी। देखिए जी इनके छोटे छोटे बच्चे भी चेक करें जी, ऊँटों को लेकर फिर रहे हैं, कभी खोल रहे हैं तो कभी बांध रहे हैं जनाब, ये देखें क्या बात है जी। ऊँटों के ऊपर आप इनके सर पर इनके चेहरों के पास आप इनकी जो है तैयारी चेक कर सकते हैं, ये देखें पैरों में किस कदर जो है इनके झांझरे वगैरह और ये फ्लावर वगैरह बांधे हुए हैं जी। ये जी भाई हैं जो अपने ऊँटों को तैयार करते हैं और उनके ऊपर स्पीकर लगाते हैं जी। तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर जो है मैं वो भी ऐड कर देता हूँ, अगर आपने पंजाबी कल्चर जो माहौल है वो तैयार करना हो तो झुमरी या ऊँट वगैरह रेड़ा वगैरह, झुमरी रेड़ा या ऊँट वगैरह वो अगर आपने रेंट आउट करना है तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर मैं डाल दूंगा आप। और देखे जी आज भी ये लोग की जो मोहब्बत है वो पाकिस्तान से कितनी ज़्यादा है, और वो भाई कह रहे थे जी पाकिस्तान का एक नारा ज़रूर लगवाएं, तो मैं लगवाता हूँ जी पाकिस्तान का नारा जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है जी, वतन से मोहब्बत देख लें पाकिस्तानियों को आज भी कितनी है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भाई, आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ जी आज को जो पंजाबी माहौल और पंजाबी जो कल्चर है आज भी सन 2022 में किस तरह जो लोग हैं इलेक्ट्रिसिटी के बगैर बिजली के बगैर किस तरह अपनी ज़िंदगी को जो है वो बसर कर रहे हैं और इस दौर में जो है वो गुजारा कर रहे हैं अपना, और किस तरह वो अपने घरों के चूल्हे चला रहे हैं, तो ये सारा माहौल आज आपको मैंने साथ आपके साथ जो है वो शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए, मेरे चैनल इरफान भट्टी व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान, अल्लाह।